सो गाइस यार आज अपन बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉइड के अंदर लो एंड डिवाइस के अंदर कैसे अपने 100 डे सर्वाइवल चैलेंज को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा स्मूथली, और एडिट भी कर सकते हो। तो मतलब आज का पूरा वीडियो होने वाला है कि आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो, एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने लो एंड डिवाइस के अंदर 100 डे सर्वाइवल माइनक्राफ्ट। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए यार मैं आपको पहले ही टारगेट दे देता हूँ, ओनली 300 लाइक्स का टारगेट है गाइस। आप प्लीज 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 कंप्लीट कर देना ताकि इस वीडियो को थोड़ी बहुत रीच मिल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है गाइस हमारा गेमिंग प्लानिंग। तो मतलब कि गेम प्ले प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि आप यार नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करना चाहते हो या फिर 100 डे वाला स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल वाला करना चाहते हो तो ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ही आराम से आप रिकॉर्ड कर सकते हो 13-14 मिनट की क्लिप्स और डाल सकते हो। जबकि अगर अपन बात करें 100 डे सर्वाइवल की, तो उसकी क्लिप्स अगर आपने देखी होगी तो 30-30 मिनट की होती है और आपका लो एंड डिवाइस वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है आगे आने वाली वीडियो में भी आपको बताने वाला हूं। तो अब बात कर ली आपने मान लिया कि सेलेक्ट कर ली कि आपने 100 डे सर्वाइवल वीडियो बनानी है, तो गाइस अब अपन बात करने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। और मैं आपको जो भी बताऊंगा जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो आपकी बड़ी ना हो और आप बोर ना हो देखते देखते। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यार होता क्या है, रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, किसी किसी फोन के अंदर आपके अंदर इन बिल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। और अगर मान लीजिए आपके एंड्रॉइड के अंदर इन बिल्ड रिकॉर्डर नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर स्क्रीन रिकॉर्डर सर्च करना है और आराम से बहुत ही इजीली डाउनलोड कर लेना है। अब मान लीजिए वो डाउनलोड हो गया, अभी क्या करना है आपको यार स्टार्टिंग से लेकर 100 डे तक रिकॉर्ड पूरा का पूरा एक दिन के अंदर नहीं करना है, वरना आपका स्टोरेज भर जाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास में यार 64 GB का स्टोरेज है और मेरा उसके अंदर यार 10 GB खाली है, तो मैं क्या करूंगा 5.5-6 GB के आसपास रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद में यार उसको एडिट करूंगा, उसके बाद में उसको रख लूंगा और जो मेरी बड़ी वाली क्लिप थी उसको डिलीट कर दूंगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के बाद में 64 GB की स्टोरेज होती है, किसी के बाद में 128 GB की स्टोरेज होती है, आपको क्या करना है पहले अपने सेटिंग्स के अंदर जाके देखना है, मतलब कि मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर जाके देखना है कि कितने GB आपके फ्री रहते हैं। मान लीजिए आपके 10 GB फ्री रहते हैं तो 5 GB की रिकॉर्डिंग करो, 5 GB रिकॉर्डिंग आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी होती है, लगभग 10-15 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग करो। फिर आपको अपने वापस से अपने उसके क्या कहते हैं एंड्रॉइड के अंदर एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आना है, और मैं भी आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में आगे कि आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है। तो उसके अंदर जाना है, वीडियो को क्या है जो जो मेन मेन पार्ट है वो रखना है और जो जो फालतू पार्ट है वो हटा देना है ताकि आपकी वीडियो थोड़ी छोटी हो जाए, और उसके बाद में उसको वापस से सेव करके अपने गैलरी के अंदर रख लेना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे वॉइस ओवर वगैरह की। एक बार आपको क्या करना है स्टोरेज काम में लेना है तो ऐसे ही लेना पड़ेगा। ऐसे कट करके मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ी वीडियो थी जो बनी आपकी 1 GB की, उसको आपने कट कट करके मेन पार्ट रख लिया, उसके ऊपर वॉइस ओवर आप बाद में कर लेना, मेन पार्ट कट करके रख लिया, तो उसका क्या होगा मेन पार्ट कट करने के बाद में आपको वो वाली जो क्लिप्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी 500 MB की। 1 GB की थी, 500 MB हो गई और 500 MB आपके बच गए। तो ऐसे कर करके हर क्लिप्स के साथ 500-600 MB बच जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी एडिटिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, और एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद में बात आती है आप एडिट कैसे करें और वॉइस ओवर कैसे करें। तो गाइज मैं आपको 2-3 एप्लीकेशन बता देता हूँ जिनका नाम है गाइज काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर और इनशॉट ऐप। और मैं आपसे कहूँगा कि इनशॉट ऐप पर जाके आप बहुत आराम से एडिटिंग कर सकते हो। कैसे, इनशॉट ऐप पर आपको जाना है सिंपली और अपनी जो भी वीडियोज आपने जैसे सेव की थी ना कट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पार्ट का नाम लिख के सेव कर लेना, और सारी की सारी को एक जगह लिख के आ जाना। जैसे आप सारी की सारी को एक जगह लिख के आ जाओगे उसके बाद में वॉइस ओवर का ऊपर आइकॉन आता है, उससे आप अपनी वॉइस ओवर दे सकते हो। वॉइस ओवर के साथ साथ आप क्या कर सकते हो उसके नीचे ऑडियो भी लगा सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ एक ही ऑडियो लगाते हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो वो चीज मत करना। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर एडिटिंग कैसे करें तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर एडिटिंग करके भी बता दूंगा कि आपको कहां पे कट लगाने हैं, कहां पे आपको म्यूजिक देना है, कहां पे आपको ज्यादा म्यूजिक देना है और कहां पे आपको साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं। क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी मेरा सिर्फ टॉपिक यही है कि आप लो एंड डिवाइस के अंदर कैसे शूट कर सकते हो और कैसे एडिट कर सकते हो। तो शूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास में स्टोरेज ज्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा स्टोरेज यूज कर करके एक क्लिप बनाओ, फिर दूसरी क्लिप बनाओ, फिर तीसरी क्लिप बनाओ, ऐसे करके बहुत सारी क्लिपों को एक करके और एडिटिंग कर दो। बहुत ही आराम से आपका जो एंड्रॉइड है उसको हजम भी कर लेगा और आपका फोन लेग वगैरह भी नहीं करेगा। ऐसे ही मेरे दोस्त है जो कि 100 डेज की वीडियोस बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था जो कि गाइस मैंने आपको बता दिया, ऊपर की सारी जानकारी दे दी। अगर आप चाहते हो कि डीपली मैं और अच्छे से समझाऊं कि एडिटिंग कैसे करनी है तो आप कमेंट कर देना। वैसे आपको रिकॉर्डिंग के मामले में समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता है कि आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एडिटिंग के अंदर और अच्छे से समझाऊं प्रैक्टिकल करके बताऊं तो प्लीज आप यार नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आपको वीडियो एडिट कैसे करनी है। तो मैं आपसे मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय।